तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल प्रोफायर गेमिंग पे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और यूनिक होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो अरीना ब्रेकआउट को अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। और दोस्तों ये गेम के ग्राफिक्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जैसा कि आप इस वक्त देख रहे हो। ये मेरा गेम प्ले है जो मैं अपने फ़ोन पर खेल रहा हूँ, और आप भी बिल्कुल ऐसा ही गेम प्ले अपने फ़ोन पर कर पाएंगे दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको इसका गेम प्ले और रिव्यू भी देने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करे चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि मेरे फ़ोन के अंदर अरीना ब्रेकआउट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, और इसे इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक दूसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल की है जिसका नाम है टैप टैप। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और दोस्तों 100% सेफ ऐप है। प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आप इस ऐप को ओपन कीजिए। उसके बाद आपको उस ऐप के अंदर बहुत सारी गेम्स देखने को मिल जाएगी, और सच बता रहा हूँ ये ऐप अच्छी है। इसमें बहुत सारे लेजिट और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स हैं जो प्ले स्टोर में भी नहीं मिलते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमें चाहिए अरीना ब्रेकआउट, इसलिए हम लोग सर्च में जाएंगे और अरीना ब्रेकआउट टाइप करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक अरीना ब्रेकआउट का जो लोगो है वो नज़र आ रहा है, और यहाँ पे मैंने इस पर प्री रजिस्टर किया हुआ है। अभी आपको इसको खेलना है तो 2 से 3 महीने बाद आप इसे खेल पाएंगे दोस्तों। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है, पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कैसा लगा मेरा मजाक? माफी चाहूंगा दोस्तों मजाक के लिए, पर दोस्तों थोड़ा बहुत मजाक तो बनता है। खैर दोस्तों ये मजाक था, क्योंकि नीचे अगर आप देखें ध्यान से तो आपको नज़र आएगा पहले से एक दूसरा अरीना ब्रेकआउट भी है। अभी आप बोलोगे यार ये दो दो अरीना ब्रेकआउट क्यों है, तो दोस्तों इसका रीज़न ये है कि ये गेम अभी भी टेस्टिंग में है और ये ग्लोबली टेस्ट हो रही है बहुत सारी जगहों पर। तो चलिए हम लोग इसे अभी यहाँ पर जाके देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है उसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे में प्ले का ऑप्शन आ रहा है। अभी आपने इसे ऑफकोर्स डाउनलोड तो नहीं किया होगा, इसलिए आपको डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आप एक बार इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको लगेगा इसका काम तो बहुत इजी है, अभी सिर्फ गेम को खेलना बचा है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक मैसेज है, थोड़ा बहुत रुक जाइए, आपको आगे पता चलेगा। आप एक प्रॉब्लम आने वाली है, मैं आपको उसको सॉल्व करके देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप गेम को ऑन करोगे वो ऑन तो हो जाएगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग में देर लगेगी, मैंने इसे स्पीड अप किया हुआ है, पर आप वेट कीजिएगा आराम से। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपको देखने मिलेगा एक लॉगिन और साइनअप का पेज। इसमें अगर आप अपना अकाउंट बना भी लो, साइनअप कर भी लो, उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा सर्विस इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजियन। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे ईजी सोल्यूशन है इसका। अभी मैं आपको बताता हूँ इसका सोल्यूशन ईजी है, जो कि है VPN। अभी आपको VPN लगाना है, मैंने भी लगाया था पर वो खुला नहीं था। उसका रीज़न ये था कि आपको कोई भी जगह का VPN नहीं लगाना है, आपको एक स्पेसिफिक रीजन का VPN लगाना है। दोस्तों हाल में 2 रीजियंस अभी इन लोगों ने सॉफ्ट लॉन्च किया हुआ है। सॉफ्ट लॉन्च मतलब पार्शियल लॉन्च होता है, अभी इसको ग्लोबली लॉन्च नहीं किया गया है। दोस्तों वो 2 रीजियंस का नाम है फिलीपींस और ब्राज़ील। यहाँ पर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको VPN लगाना है। मुझे पता है बहुत लोगों को पता है, पर फिर भी एक बार आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्राज़ील का VPN से कनेक्ट कर लिया है, और इसके बाद जब भी हम हमारी गेम में जाएंगे और हम हमारा जो लॉगिन साइनअप जो भी आपको करना है वो प्रोसेस करेंगे, उसके बाद आपकी जो गेम है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी और आप इसे खेल पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे इसका जो बेसिक जो मेन्यू होता है वो ऑन हो चुका है। मुझे पता है आप लोगों को वो देखने में इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्यूटोरियल जो है वो भी ऑन हो चुका है, आप इसे भी खेल सकते हो, पर मुझे पता है आपको ये भी देखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम इसे भी स्किप करेंगे और सीधा मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक मिशन का गेम प्ले। तो आज की वीडियो में मैं आपको 2 गेम प्लेस दिखाने वाला हूँ दोस्तों। एक गेम प्ले जो होगा वो हमारे मिशन का होगा, यानी कि इन गेम जो हमें मिशंस दिए जाते हैं जिसमें बेसिकली आप बोल सकते हो बॉट्स के खिलाफ आप खेलते हो, वो वाला। और दोस्तों सेकंड गेम प्ले जो आएगा वो PvP होगा, यानी कि पर्सन वर्सेज पर्सन, हम लोग प्लेयर वर्सेज प्लेयर गेम खेलने वाले हैं। दोस्तों आप दोनों ही गेम प्लेस को देखिएगा, क्योंकि दोनों के ही अलग अलग मज़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मिशन है वो शुरू हो चुका है, तो अभी हम थोड़ा बहुत सुन लेते हैं। The motel is just ahead. That's where the mission objective is. Get in, grab the objective, and get out. That's the mission. Got it? Good. Engagement in the distance. Welcome to paradise. A bridge was bombed at the farm recently, and now Ajax's people are everywhere. I got eyes on bodies, too. Wolf, scout up ahead. Jack, confirm identities of the KIA. Just some basic supplies. They must be locals.
और दोस्तों यहाँ पर जो ग्राफिक्स है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहे हैं। मतलब लिटरली मैंने ऐसे ग्राफिक्स बहुत टाइम से कोई भी मोबाइल गेम के अंदर नहीं देखे हैं, और अकॉर्डिंग टू मोबाइल गेम ये बहुत अच्छा है। हालांकि अभी तो वीडियो चल रहा है, ये कोई गेम प्ले नहीं हो रहा है लाइव, इसलिए मैं अभी भी बता नहीं सकता कि इसका जो ग्राफिक्स है वो कैसा है, पर अभी तक सो फार इट्स अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है यहाँ पे। Break it open. Spread out. Patrol. Pick a target and concentrate fire. Threat eliminated. Move out. Wolf, you're our spotter. Recon the motel. Understood. What a mess. Freshen up, rookie. Wolf, report on the motel situation. One guard on the side door. Stay low. Leave the guard to us. दोस्तों अभी तक मैंने बहुत सारी फर्स्ट पर्सन शूटर गेम्स देखी है, पर दोस्तों इस वाले की कुछ अलग बात है। इस वाले में कुछ तो डिफरेंट है जो कि मैं आगे देखने वाला हूँ। मुझे पता नहीं है अभी भी इसमें क्या और अलग होने वाला है, पर ये वाले में कुछ अलग फील तो आ रही है मुझे। इसको खेलने से ही मुझे कुछ अलग फील आ रही है। और खैर दोस्तों वो बात क्या है वो तो हमें आगे ही पता चलेगी। तो चलिए हम लोग इसके गेम प्ले को आगे खेलते हैं और देखते हैं हमें इसमें और क्या देखने को मिलता है। वो यहाँ पे हमें हमारा पहला एनिमी मिल रहा है और हम लोग इसमें पीक करके शूट कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो ये पबजी की एक स्टाइल है। हालांकि मैं पबजी गेम नहीं खेलता हूँ, पर फिर भी ये जो गेम है मुझे पता नहीं इसने क्यों ये टेक्निक यूज़ किया है, पर अच्छा टेक्निक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है इस गेम की। हालांकि यहाँ पर हम लोग आगे क्यों नहीं जा पा रहे। ओके ओके हम लोग आगे चले गए और यहाँ पर हम लोग एक घर के अंदर आए हुए हैं। ओके यहाँ पे हमें कुछ मिशन के बारे में बताया जा रहा है। Moving upstairs. Cover me. Clear. Moving in. और इस गेम में एक चीज़ मैंने जो अभी नोटिस की वो ये है कि इसमें एचपी कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रही है मुझे कि हमारी एचपी क्या है। ओ ओ ओ गोली चल गई मेरे से गलती से, पता नहीं ग्लिच था कि क्या था, मेरी गलती थी, पर कंटिन्यूस फायरिंग हो गई। खैर अभी यहाँ पे हमने दरवाज़ा खोल लिया है और अंदर एक दुश्मन और निकला। ओ भाई रिकॉइल कंट्रोल नहीं हुआ मुझसे अभी अभी, कोई बात नहीं, अभी हम नए हैं इस गेम में, आ जाएगा धीरे धीरे। ओके तो यहाँ पर अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इसकी स्टोरी मोड जो है वो भी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। हालांकि पीवीपी देखेंगे उसके बाद ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे आई थिंक ये रूम में जाना है, देखिए इस रूम में क्या है। ओके तो यहाँ पे एक सेफ़ जैसा कुछ लग रहा है मुझे। ओके तो ये सेफ खुल गया और ओके यहाँ पे कुछ सर्चिंग हो रही है। ओ मतलब ये गेम थोड़ी यूनिक तो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके मैकेनिक्स थोड़े से डिफरेंट है दूसरी गेम से। और हमें एक चेन मिली है, रिच की चेन। थग लाइफ हो गया। ओ वाह मतलब हमें ये लूट करने को मिली है। वाह ये लोग तो झगड़ा भी नहीं कर रहे चेन के पीछे, मुझे ही दे दिया चुपचाप। ऑल राइट तो अभी हमें यहाँ से निकलना होगा आई थिंक। हाँ देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहे हैं इवैक्यूएट करना है। ओके मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्यों। ओके अभी स्क्वाड वाला है। ओके स्टोरी मोड है तो ऑफकोर्स हमें फ्रीडम उतनी नहीं मिलेगी। ओके चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या है। मतलब इसके ग्राफिक्स मुझे कुछ ज़्यादा ही अनरियल लग रहे हैं। और अनरियल से याद आया दोस्तों ये गेम भी अनरियल इंजन में ही बनी है, इसलिए इसके ग्राफिक्स भी अनरियल है। ओ भाई साहब इसको क्या हो गया। ओके आई थिंक उधर दुश्मन होंगे हमारे, चले उसको शूट तो। अरे यार मुझे तो कंट्रोल दे ही नहीं रहे, ये खुद ही खेल रहा है, मुझे खेलने देना है कि नहीं। अरे ये क्या हो गया भाई, मैं मर कैसे गया यार। बोल ये क्या, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। ऑपरेशन फेल्ड, अब मुझे खेलने तो देता तो मैं ऑपरेशन फेल्ड होता ना। मुझे लगता है ये पार्ट ऑफ द मिशन है ताकि हमें ये भी सिखाया जाए कि हम हार भी सकते हैं आई थिंक। तो दोस्तों अभी हम लोग पीवीपी मोड के अंदर आ गए हैं, तो चलिए अभी हम लोग पीवीपी करते हैं। पर दोस्तों इसके पहले कि हम चालू करें हमारा जो गेम प्ले है, मैं यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग्स दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ग्राफिक सेटिंग्स है, पर यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप ग्राफिक्स को हाई करते हो तो आपकी जो फ्रेम रेट है या परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है उस जितना आप ग्राफिक्स बढ़ाते हो। यहाँ पे जो अल्ट्रा एचडी मोड है वो भी कमिंग सून में,
पर यहाँ पे मैं एक देख रहा हूँ कि गॉर्जियस मोड है, मैं उसे ट्राई करना चाहता हूँ एक बार अप्लाई करके। वाओ, अभी ये गेम कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखने लगी है दोस्तों। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाइब्रेंट जो लुक दिया गया है पूरे के पूरे मैप को। और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग विजुअल्स हमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और रियलिस्टिक वाले में भी मज़ा आ रहा था। हालांकि वो रियलिस्टिक ये ज़्यादा लग रहा है, मतलब ऐसे देखा जाए तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक है क्योंकि कलर्स कम है उसमें। चलिए एक बार हम लोग वापस रियलिस्टिक करके देखते हैं कि हमें कैसा देखने को मिलता है। ओके, अप्लाई किया। ओ भाई, ये तो एकदम ब्लैक एंड वाइट पिक्चर चालू हो गया ऐसा लग रहा है, अचानक से कलर टीवी से ब्लैक एंड वाइट हो गया। मज़ा नहीं आ रहा है, चलिए वापस चेंज कर लेते यार, मज़ा नहीं आया इसमें मुझे। हाँ ये है ग्राफिक्स, मज़ा आया। वाह, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे, मुझे कुछ गोलियों की आवाज़ आ रही है और मुझे मज़ा आएगा दोस्तों पहला हमारा किल करने में पीवीपी मोड के अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफिक्स है वो, पहली बात मैं बता दूँ, मैंने बिल्कुल कलर ग्रेडिंग नहीं करी है, एकदम ओरिजिनल जो है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पर हम लोग कुछ वापस गोलियों की आवाज़ आ रही है, पर मुझे पता नहीं चल रहा है कि मुझे जाना कहाँ पर है। ओके, यहाँ पर ओके, आई थिंक वो जो रेड रेड कलर की चीज़ें हैं ना वहीं पर बंदे हैं। ओके, एरो भी दिखा रहा है वो। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमें एक बंदा दिख रहा है। ओके ओके, हमने उसको मारा। ओके गाइज, वो मर चुका है और मतलब हमारा पहला किल पीवीपी मोड में हो चुका है यहाँ पे। ओके, वहाँ पे एक और बंदा दिख रहा है मुझे, हालांकि वो बहुत दूर है। ओ, मेरी गोलियाँ ख़त्म हो गई ऐसा लग रहा है। ओ वाह, इसकी रिलोड स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लो मोशन में कितना ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है इसको देखने में, एकदम मतलब रियलिस्टिक बनाया गया है जैसे हम लोग ओरिजिनल मतलब गन को शायद ऐसे ही रिलोड करते होंगे। ओके, अभी हम लोग हमारे बंदे को मार रहे हैं। इसमें एक्चुअली गोलियाँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी ख़त्म हो रही है, एक्चुअली रियल में भी ऐसी होती होगी क्या? चलिए इसे ख़त्म करते हैं। ओके, हमने इसे मारा है और मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा डिले दिखा रहा है मारने में, पता नहीं ऐसा लगा मुझे। चलिए वापस आगे बढ़ते हैं और इसमें से कुछ लूट वूट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे ओ, इसका जो लूट लेने का तरीका है वो भी यूनिक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है इसकी वेस्ट ज़्यादा अच्छी है। ओके, तो नंबर्स देख के लग रहा है नीचे के। चलिए इसे निकाल देते हैं और इसे इक्विप कर लेते हैं, और मुझे लगता है अभी मुझे दूसरी गन्स कोई लेनी चाहिए। ओके, वो नीचे वाली शॉटगन है, मुझे शॉटगन अच्छी लगती है। चलिए ये वाला निकाल के शॉटगन को ले लेते हैं, ऐसे भी दोनों AKs ही थी मेरे पास। और यहाँ पे पॉकेट्स है और वाह, अलग अलग चीज़ है इधर। चलिए यहाँ पे कुछ गोलियाँ हमें मिली है, मेडिसिन का सामान मिला है, और नीचे हमें क्या मिल रहा है देखते हैं। ओके, हमें कुछ एमओ मिला है, आई थिंक वही शॉटगन का एमओ होगा क्योंकि बिना एमओ के तो हम लोग गोली नहीं चला पाएंगे। और यहाँ पर हमने इसे भी लूट लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आजू बाजू कोई और एनिमी तो नहीं है, वो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। वहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हीकल्स है, पर आई थिंक उन्हें चला नहीं सकते, देखने से तो ऐसा ही लग रहा है। एटलीस्ट ये वाले को, कार्स अभी तक मैंने ट्राई नहीं किए, मैं बाद में कार्स को भी एक बार देखूँगा। अभी मैं कहाँ जाऊँ मैं वही सोच रहा हूँ कब से। गोलियाँ चलने की थोड़ी थोड़ी आवाज़ दूर दूर से आ रही है, पर अभी एक काम करता हूँ, मैं अपना जो एक बार बैकपैक खोल के देख लेता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी जो मैगजीन्स हैं वो यूज़ कर ली है, तो कहीं गोलियाँ ख़त्म तो नहीं हो गई। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आई थिंक मुझे कुछ तो इसका ही करना होगा आई थिंक। हाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप करे। ओके, मतलब अभी यहाँ पर मैंने गोलियाँ जो है वो शॉटगन के अंदर लोड कर ली है। चलो वो भी हो गया है। अरे ये कौन मार रहा है? अरे भाई कोई कहीं से शूट कर रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा बंदा मेरे को, है किधर वो? ओके ये बात हुआ है। अरे भाई ये शॉटगन उसको लग ही नहीं रही है क्या? ओके, उसको आई थिंक दो शॉट ही लगे, दूसरा गन स्विच करके मारते हैं उसको। हाँ अच्छा है दोस्तों, मैं बच गया, वरना अभी वीडियो में बेइज्जती हो जाती मेरी। यहाँ पे इसको भी हम लोग एक बार लूट करके देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ओके, आई थिंक इसका जो वेस्ट है वो हमारे से बेटर है, तो हम लोग इसे भी इक्विप कर लेते हैं। अभी यहाँ पे थोड़ी बहुत मेडिकिट लेनी पड़ेगी क्योंकि हमें थोड़ा बहुत डैमेज पड़ा हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे आसपास कोई और बंदा है कि नहीं, और यहाँ पे मुझे अभी भी पता नहीं चल रहा है कि मुझे जाना कहाँ पे है। तो अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आगे और क्या है इस मैप के अंदर और कुछ। और यहाँ पे एक और फीचर इन लोगों ने दिया हुआ है जो कि है हम लोग मैगजीन को देख सकते हैं कि उसमें कितनी गोलियाँ बची है, और हमने शॉटगन भी देख लिया है उसके अंदर भी देख सकते हैं हम लोग, गोलियाँ चेक कर सकते हैं कितनी अवेलेबल है।
और उस हिसाब से दोस्तों ये गेम काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक है, क्योंकि नॉर्मली हमें कैसे पता चलेगा कितनी गोलियाँ ख़त्म हुई है, कोई गिनते तो नहीं बैठेगा ना। और यहाँ पे हम लोग वापस एक फैक्ट्री जैसे एरिया में आए हुए हैं। इसके मैप्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाए गए हैं। और यहाँ पे मुझे एक और बात चेक करना है कि जो मैप है वो मतलब मैं कहाँ जाना है, और मैं कोई सेफ़ जगह ढूंढ रहा हूँ। आई थिंक ये टेबल सेफ़ जगह रहेगा जहाँ से मैं देख पाऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस गेम का मैप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और इसमें एक लेवल तक ये ही मैप आपको मिलेगा खेलने के लिए। पर जैसे जैसे आपका लेवल अप होगा ये मैप भी चेंज होगा, और वहाँ पे जो ग्रीन कलर के आई थिंक चीज़ें दिख रही है वहीं पे हमें जाना होगा। खैर अभी के लिए तो मैंने एक दूसरी जगह लोकेट की है जो कि होगी एक लेक, और मुझे इसका वाटर का ग्राफिक्स देखना है इसीलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि पानी एक ग्राफिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस मैप में पानी बहुत कम दिखाया गया है, इसलिए चलिए देखते हैं इसमें पानी कैसा है। ओह वाह, यहाँ पर एक टैंक भी है। खैर अभी हमें पानी को देखना, और यहाँ पे जो लेक है वो आ चुकी है। चलिए इस लेक में जाके देखते हैं कि वाटर के ग्राफिक्स इसमें कैसे हैं। ये मैं आगे क्यों नहीं जा रहा हूँ इसमें? ओके, आई थिंक इसमें पानी में जाना अभी तक अलाउड नहीं किया है, शायद ये टेस्टिंग मोड में होगा इसीलिए, पता नहीं। मैं सोच रहा हूँ इसमें गोलियाँ चला के देख लेता हूँ कैसा है ग्राफिक्स। ओके, ठीक ठाक ग्राफिक्स, अच्छा है। ऐसे पानी दिखने में तो अच्छा लग रहा है, पर अभी तक अंदर नहीं जा पा रहा इसलिए हम पूरा नहीं बता सकते। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वापस रिलोड कर लेते हैं, और वापस यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे कोई दुश्मन एक और मिल जाए तो ढूंढने के लिए, क्योंकि नई गेम है इसलिए हो सकता है कि इसमें दुश्मन कम। और यहाँ पे देख सकते हैं वो पिकिंग वाला फीचर भी है पबजी वाला। और यहाँ पे मुझे कुछ गोलियों की आवाज़ आ रही है एकदम दूर से, चलिए चेकआउट करते हैं कि किधर से आ रही है ये आवाज़। यहाँ पर व्हीकल्स तो है, मैंने ट्राई किया पर एक भी व्हीकल हम चला नहीं सकते दोस्तों, इसलिए ये मैं आपको बता दूँ पहले ही। ओके, यहाँ पे कोई फाइट तो चल रही है पक्का। वो वहाँ पे दिख रहे दूर बंदे दिख रहे हैं हमें। ओके, अभी वहाँ पे नहीं दिख रहे वापस। एक बंदा आई थिंक डाउन हुआ वहाँ पे। ओके, यहीं पे होना चाहिए हमारा जो एनिमी है, इधर ही पीछे होना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो बंदा है वो मिल चुका है, और हमने एक को डाउन किया, दूसरे को भी डाउन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत रीलोड करने। ओके, और दो बचे हुए हैं यहाँ पर। ओके, उन दोनों को भी एलिमिनेट करना होगा। ओके, दिख नहीं रहे अभी मेरे को वो, यहीं पे बैठा रहूँगा तो वो लोग मुझे दूर से मार सकते हैं वो साइड से। अभी यहाँ पे मैगजीन एम्प्टी बता रहा है, मेरे पास गन की बुलेट्स भी नहीं बची है यार, कैसे मारूँगा मैं उनको। हालांकि ओके, अभी भी मेरे पास शॉट गन तो है पर वो लॉन्ग रेंज में नहीं चलेगी। ओके, ये बंदा पास में तो आ गया है। अरे यार, इसकी बुलेट्स को अभी ख़त्म होना था क्या? अरे, रिलोड होने में भी इतना देर लग रहा है, इतनी देर में तो ही मार डालेगा मेरे को। ओके, मुझे लगता है अभी तो मुझे भागना पड़ेगा यहाँ से पीछे से। ओके, अभी आई थिंक गन रिलोड भी हो गई, शायद मैं अभी मार पाऊँगा। ओ वाह, हेड शॉट पड़ गया इसको तो। ये इतना लेट क्यों मरा वैसे? ओके, इसको भी हम लोग एम कर रहे हैं और लग नहीं रहा एम। हाँ, लग गया, इसको भी हेडशॉट पड़ा। मुझे लगता है इस गेम में एक छोटा सा बग है जो कि है कि दुश्मन बाद में मर रहे जब ये मारते हैं उसके थोड़ी देर के बाद, पर आई थिंक ये टेस्टिंग फेज़ में है तो वो भी सॉल्व हो ही जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम इसे भी लूट रहे हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमने पहले देखा था, इस गेम की जो लूटिंग मैकेनिज्म है वो भी अलग है। अब मुझे पता है ये सब आपको देखने में इतना मज़ा नहीं आता, इसलिए मैंने इसे थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमने इसे भी लूट लिया। और इसमें आप देख सकते हैं कि डेड बॉडीज़ ऐसी की ऐसी रहती है, और वो अच्छी बात है क्योंकि ज़्यादातर गेम्स वैसे ही अनरियलिस्टिक लगती है, कोई मरने के बाद तुरंत ही गायब हो जाता है। और यहाँ पे आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अभी डैमेज हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत मेड्स और वो सब ले लेना चाहिए। और चलिए इसके जो मेडिकेशन के जो एनिमेशन है वो भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बैंडेज का एनिमेशन है और काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक बनाया है इसको, दूसरी गेम्स में बहुत ज़्यादा अजीब होता है। और अभी यहाँ पे हम लोग एक बार मेडकिट लगा के देख लेते हैं कैसा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे एक इंजेक्शन जैसा, ये भी अच्छा खासा बनाया है इन लोगों ने, इसका भी एनिमेशन अच्छा है। और हम लोग एक और बार मेडकिट लेना पड़ेगा क्योंकि हेल्थ कम है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें एक और चीज़ टेस्ट कर लेनी है, वो है पेन किलर्स, क्योंकि दोस्तों पेन किलर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए उसे भी खा के देख लेते हैं। वाव, इसमें तो डब्बा भी बनाया है उसका, और गोलियां भी दिख रही है इसमें तो, अच्छा है। ओके, इसके भी जो ग्राफिक्स है वो भी रियलिस्टिक है। तो आई थिंक अभी हम लोग जो हेल्थ है वो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे और कोई जो है मैप में मारने के लिए या नहीं, वरना हमें यहाँ से निकलना है फटाफट से। वो जो मैप में ग्रीन लोकेशन थी वहाँ पर हमें जाना है, हालाँकि अभी तक मैंने वो सेट नहीं किया हुआ है। ओके, वहाँ पर दुश्मन हमें दिख रहे हैं, तो फटाफट से हम लोग रिलोड विलोड करके यहाँ से निकलते हैं। और मुझे इसके रिलोड के एनिमेशन सही में बहुत अच्छे लगे। ओके, अभी यहाँ पे कोई बंदा वापस दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ओके, उस तरफ से वापस आवाज़ आ रही है, तो चलिए उस तरफ निकलते हैं। यहाँ पे एक कंटेनर है, उसके अंदर तो नहीं है?
ओके कंटेनर के अंदर तो नहीं है, उस तरफ भी कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है कोई मुझे। ओके कहाँ पे है बंदा? ओके ये रहा ओके ये रहा, हमने इसे भी मार दिया है। ओके वहाँ पे दूर एक बंदा खड़ा है, अब इतने दूर को मैं मार पाऊँगा कि नहीं पता नहीं। ओके थोड़ी बहुत गोली लगी उसको, ओके हमने उसे भी मार दिया है दूर वाले को। अभी वापस हमें थोड़ी बहुत लूटिंग वूटिंग करनी पड़ेगी, हालांकि दोस्तों वो सब आपको अभी मैं नहीं दिखा रहा हूँ। और उसी के साथ हमें वापस कुछ गोलियों की आवाज़ आ तो रही है पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है उसी साथ। और यहाँ पे कुछ धुआं नज़र आ रहा है मुझे रेड कलर का, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें वहीं पर जाना होगा। शायद वो कोई एयर ड्रॉप और वैसा कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि वही गेम का कुछ एंड हो ऐसा कुछ, क्योंकि मैं अभी पहली बार खेल रहा हूँ और ये क्लासिक बैटल रॉयल गेम नहीं है उतना तो अभी तक मुझे पता चल ही गया है। चलिए उधर जाके देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या बता रहा है वो। ओके आई थिंक लॉक्ड ऐसा कुछ बता रहा है वो, अभी कुछ लॉक है और 10 मिनट के बाद ऐसा कुछ चालू होगा। खैर मैं यहाँ पे 10 मिनट तो खड़ा नहीं रहने वाला हूँ, इसलिए अभी यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ओके वहाँ पे वापस हमें कुछ रेड कलर के मार्कर्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि वहाँ पे फिर से कोई एक्टिविटी हो रही है। और इसके मैप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे बनाए गए हैं, जिसके मैप्स भी अच्छे लगे। ओके वहाँ पे कोई होना तो चाहिए। ओके वहाँ पे एक बंदा दिख रहा है, ओके वो अंदर चला गया। ये क्या हो रहा है, ये मुझे क्या बता रहा है? गोली खानी पड़ेगी ऐसा बोल रहा है अभी ये मुझे। ऐसा तो मैंने पहली बार देखा है कि बिना डैमेज पड़े हमें गोलियां खानी पड़ रही है, पर आई थिंक ये सब कुछ बता रहे हैं कि आफ्टर इफेक्ट होगा जो मैं डैमेज पड़ा था उसका पहले का, और हमने वापस खाया है तो वापस अभी ये ठीक बता रहा है। और दोस्तों यहाँ पे ऊपर एक चार्ट है जो कि हमारे बॉडी के जैसा दिख रहा है। ओके मतलब यही हमारी HP है, जो कि मैं कब से ढूंढ रहा था कि हमारी HP कहाँ है। वो नॉर्मली जो दिखती है वैसे नहीं है। ये गेम थोड़ा सा यूनिक है इस बात में भी कि इसने जो HP है वो भी अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अलग दिखाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक और बंदा है, आई थिंक वो लूट कर रहा था उस बंदे में से जो मर गया था पहले से, उसने उसको मार दिया होगा। ओके तो हमने भी उसे मार दिया है, और आई थिंक इसके पास अच्छी लूट होगी क्योंकि ये उसको लूट कर रहा था, शायद कुछ अच्छा ही होगा इसके पास। इसको हम लोग एक बार लूट करके देख लेते हैं। ओके इसके पास एक हैवी शॉटगन है, मैं वो हैवी शॉटगन लेना चाहूँगा, पर उसके पहले मुझे एमओ चाहिए रहेगा उस शॉटगन का, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे ये हैवी शॉटगन भी हम लोग ले लेते हैं, और उसमें एमओ भी हमारा जूने शॉटगन का लोड हो गया है। और दोस्तों इसे लूट करने की मुझे ऐसी कोई ज़रूरत लग नहीं रही है। तो दोस्तों चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मैप पर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है। और आई थिंक अभी यहाँ से हमें कहाँ जाना है वो मैं देख ही लेता हूँ एक बार मैप खोल के आगे कहीं जाके। हालांकि यहाँ पे जो मैगज़ीन है वो वापस जो हम लोग लोड कर रहे हैं मैगज़ीन को, इसलिए जो टाइमर है वो आ रहा है नीचे। ओके तो आई थिंक वो भी पूरा हो चुका है, तो चलिए अभी हम लोग एक बार मेडकिट ले लेते हैं ताकि हमारी जो हेल्थ है वो वापस फुल हो जाए। ऑल राइट अभी आई थिंक हम लोग वापस फुल पे आ चुके हैं। हालांकि यहाँ पर मेरा जो राइट आर्म है वो कम्प्लीट डैमेज बता रहा है, पर मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ पेन किलर्स ही खा पा रहा हूँ, पर जो हाथ है उसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक उसके लिए कुछ और लगता है, शायद कोई एडवांस किट होगी जिससे मैं उसे ठीक कर पाऊँगा, पर मुझे नहीं लग रहा कि अभी मैं उसे यूज़ तो कर ही पा रहा हूँ। मतलब ऐसे नॉर्मली जब भी मैं इसको गोली चला रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इसलिए अभी यहाँ पे मैं और कुछ तो कर तो नहीं सकता, इसलिए अभी एग्जिट ही कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते और एक बार देख लेते हैं मैगजीन अपनी फुल है। तो चलिए अभी देख लेते हैं हम लोग को जाना किधर है एक्चुअली मैप में। यहाँ पर आई थिंक जो ग्रीन वाला पार्ट है मैंने उसको मार्क तो कर लिया है, और होप कि वहाँ पे जाने पे हमारी जो गेम है वो पूरी हो जाएगी। तो चलिए अभी वहाँ पे जाते हैं, और क्योंकि अभी हमें भागना ही है तो हम लोग गन को साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर गेम्स में गन को साइड रखने से स्पीड बढ़ जाती है, मुझे इसका पता नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग उधर जाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर इस गेम में एक और फीचर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे एक बार है जो कि हमारे रनिंग स्ट्रेंथ को बता रहा है। यहाँ पे आप कुछ ही देर तक दौड़ सकते हो, उसके बाद आपकी जो रनिंग स्ट्रेंथ है वो पूरी हो जाएगी, फिर आपको थोड़ी देर तक खड़ा रहना पड़ेगा तो आपकी जो रनिंग स्ट्रेंथ है वो वापस आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी रनिंग स्ट्रेंथ जो है वापस आ रही है, और आई थिंक गोली चलाने की भी लिमिट है। उसके बाजू में एक हैंड का भी सिम्बॉल दिखाया हुआ है जिसमें गन पकड़ी हुई है, तो मतलब गोली आप ज़्यादा देर तक चलाओगे तो आपको प्रॉब्लम तो होगी नॉर्मल लाइफ में भी, इसलिए इसमें भी वैसा रियलिज्म डालने के लिए किया गया है। तो चलिए हमारी जो अभी दौड़ने की कैपेसिटी है वो वापस आ गई है। और दोस्तों आई थिंक हम लोग वहाँ पे आ चुके हैं जो हमारी मैप लोकेशन थी। हाँ आई थिंक ये वही है। ओके एक्सट्रैक्शन काउंटडाउन, यानी कि हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, यानी कि ये जो गेम है वो अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे 3, 2, 1 और एक्सट्रैक्शन हो गया, ऑपरेशन कंप्लीट, यानी कि हमारा जो मिशन है वो पूरा हो चुका है।
और ये गेम का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अलग है नॉर्मल गेम से। हालांकि बहुत लोग बोलते हैं ये एस्केप फ्रॉम टारकोव करके एक गेम है, उसका रिप ऑफ है, पर मुझे नहीं पता इसमें एग्जैक्टली क्योंकि मैंने वो गेम खेली नहीं है। खैर यहाँ पे आप दिखा रहा है कि मेरे जो एलिमिनेशन यानी कि मेरे जो किल्स है वो 12 थे ये मैच में, यानी कि मैंने 12 किल किए हैं, बुरा नहीं है पहले मैच के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी बता रहा है ये गेम की, ये भी बहुत ज़्यादा खासियत है कि और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताता है आपके मैच के बारे में। और दोस्तों ये जो गेम है ये काफ़ी ज़्यादा अलग भी है क्योंकि इसमें आपको और भी ज़्यादा चीज़ें दिखाता है। अभी आपको मैं आगे दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या दिखाते हैं हमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले तो बंदे के नाम आ रहे हैं जिनको भी मैंने मारा था, मैंने उनको कौन से समय पे मारा था, वो कौन से लेवल के थे, वो मतलब कौन सा उनका काम क्या था, यानी कि वो टैक्टिकल ऑप्स के थे या फिर वो मिलिटेंट थे, अभी वो हम बाद में देखेंगे वो होता क्या है। पर यहाँ पे ये भी दिखाया है कि कौन से पार्ट पे उनको गोली मारी गई थी, जैसे कि यहाँ पे दिखा है हेड लिखा है, राइट लेग लिखा है, चेस्ट लिखा है, आर्म लिखा है, बहुत सारी चीज़ें लिखी है, मतलब जहाँ पर मैंने उनको मारा होगा लास्ट वो यहाँ पर दिखा रहा है। और दोस्तों चलिए देखते हैं कि हमें और क्या क्या स्टैट्स देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पे तो कुछ है नहीं। ओके हमने क्या क्या जीता उसकी अमाउंट भी बता रहे हैं, यानी कि 20,803 रुपये यानी कि या डॉलर जो भी हो वो हमें यहाँ पे मिले हैं, ये सारी उतने की आइटम्स हैं। और यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में बताया है, इतना डिटेल में तो मैं नहीं जाना चाहूँगा, पर आप देख सकते हैं अगर आपको देखना हो तो इसके अंदर और क्या क्या डिटेल्स आपको बताते हैं आपके मैच या मिशन के बारे में। खैर मुझे तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। चलिए अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आगे क्या है। ओके मैच तो पूरा हो चुका है, इसलिए दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो भी पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो तक बाय बाय।